पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम नीरज पांडे है और मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय भवानी पटना में उड़ीसा में मेरी पोस्टिंग है। अभी मेरी पहली इनिशियल पोस्टिंग हुई थी 2016 में, 2016 बैच में मैंने ज्वाइन किया था केंद्रीय विद्यालय। और मेरी स्टडी जो है बीपीएड एमपीएड ये सब एलएनआईपी से हुआ है और नेट एग्जाम जो है 5 टाइम मैंने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है और अभी करंटली यहाँ पर हूँ। इससे पहले इंटरव्यू जस्ट मैंने अभी जो जनवरी में हमारा हुआ था उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जो था, तो उसमें अगर किसी ने दिया होगा तो लिस्ट में देखे होंगे, तो यूपी में रिटर्न में जो था थर्ड रैंक था मेरा, लेकिन इंटरव्यू में मैं नहीं क्वालिफाई हो पाया क्योंकि सबसे मिनिमम मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, उसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन केवीएस में मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, लेकिन ये यूपी हायर एजुकेशन का जो था, तो इसलिए हम लोग आपस में डिस्कस करके कि क्या चीजें कमी हैं और क्या और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सर, इसमें इस वीडियो में हमको आपका एक्सपीरियंस, आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसको बेस्ट आंसर क्या हो सकता था, जो आपने दिया है वो आंसर बेस्ट है, इससे भी बेस्ट आंसर आप दे सकते। ओके, ठीक है। जनरली मैं पहले अपना बता देता हूँ मुझे क्या पूछा गया था और मैं किस तरह से, देखिए पहला स्टार्टिंग कोई भी इंटरव्यू देने के लिए, बहुत सारे इंटरव्यू दिए मैंने और भी कई चीजों के एग्जाम देते रहते हैं, वो तो प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इसमें 2-3 बातें जो समझने वाली है। पहला, फर्स्ट जो है आपका ड्रेसिंग, ज्यादा इन पे नहीं, सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर कई लोग लोअर और टी शर्ट में जाते हैं, इससे बेहतर ऑप्शन है हमारा फॉर्मल में हम जाए। गर्ल्स अगर हैं तो साड़ी ले ले, बढ़िया साड़ी पहने, नहीं तो सूट, जो डिसेंट टाइप का सूट है उसे पहने। बॉयज जो है बिल्कुल फॉर्मल पैंट शर्ट शूज ये पहने। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये पता है, लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं क्योंकि लोअर टी शर्ट को प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा फिजिकल एजुकेशन फील्ड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मल में जाने से एक डिसेंट लुक लगता है क्योंकि आपको वहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करानी है, किसी तरह का वो नहीं है, और आप वहां पर इंटरव्यू होगा तो बेहतर ऑप्शन होगा कि आप फॉर्मल पहने, और बाकी आपकी चॉइस है। नेक्स्ट जो है, जब आप एंटर करते हैं तो पूछें, जब तक वो बोले नहीं तब तक आप बैठे नहीं सीट पर, और उसमें इंटरव्यू पैनल में जो है आपका बैठते कौन कौन है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे जो टेक्निकल चीजों में पूछेंगे, तो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट में कोई पीईटी नहीं बैठते हैं। जैसे मैं स्कूल में टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में, हम लोगों में से कोई नहीं बैठता है। बैठते कौन है, एलएनआईपी के, आईजीआई के और डीयू के, बीएचयू के, जो भी प्रोफेसर होते हैं वो लोग बैठते हैं। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट में ये मान के चलिए जो भी आप जवाब दीजिए वो हमसे काफी अच्छा जानते हैं, तो कुछ ब्लफिंग नहीं करना है, अच्छे होते हैं। फिर आपका साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, किस तरह की आपकी साइकोलॉजी है, आप क्या मतलब काम करने के लिए कितना तैयार हैं इस स्कूल में, हर तरह से आप अपना सहयोग देंगे कि नहीं देंगे, तो और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन के मामले में अभी आगे मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा ये सारी चीजें। प्रिंसिपल या जो असिस्टेंट कमिश्नर, इनमें से कोई हो सकता है, और एक आध आपके योगा टीचर्स को भी कई बार जगह दी जाती है। तो पहले मैं अपना वाला बता देता हूँ मुझसे क्या पूछा गया, और मैं अंदर में गया। देखिए एक इंटरव्यू का एक चीज जानिएगा, मैं अंदर गया, मैंने पूछा और फिर जब उन्होंने बोला तो मैं बैठा वहां पर। बैठने के बाद मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, मैं पहले तो इंट्रोडक्शन पूछा गया कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो ये पार्ट आप बहुत अच्छे से तैयार करिए क्योंकि ये सबको पता है कि ओपन क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, तो इतना ज्यादा नहीं बताना है कि आप मम्मी का नाम, पापा का नाम, सिस्टर का नाम, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ब्रीफ में, जिससे कि आपको समझ जाए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है तो वो बता दीजिए, और अपना नाम आपको बताना ही है, बस ये सारी चीजें जो आपके कुछ खास अचीवमेंट हैं अपने गेम्स के बारे में वो बता दीजिए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है कि क्योंकि आपको 1 मिनट के अंदर ही पूरा इंट्रोडक्शन अपना खत्म कर लेना है, तो इसलिए उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए उस चीज का कि फटाफट खत्म हो जाए। इंट्रोडक्शन मैंने किया अपना, और लैंग्वेज की बात है, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो
फिर कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे सर किस में देना अच्छा है, तो इसमें कोई आप चाहे तो बाइलिंगुअल भी कर दीजिए, कुछ चीजें हिंदी में बोलिए कुछ चीजें इंग्लिश में बोलिए, जो आपको कंफर्टेबल रहता है उसमें आप बोलिए। हाँ एक चीज कर सकते हैं, अगर आपसे कोई अगर आपको आता है कोई क्वेश्चन उधर से इंग्लिश में, तो अगर कोशिश करिए कि इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो इंग्लिश में अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो हिंदी में देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो लोग हिंदी में पूछ रहे हैं हाँ, तो आप हिंदी में अगर देंगे तो भी बढ़िया है, नहीं तो बाइलिंगुअल आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो है क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो सबसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके हुए। प्रिडिक्ट हम जैसे कुछ लोगों के से क्वेश्चन हुए थे हमारे टाइम में, कई लोगों से बोला गया था मार्च पास्ट के कमांड दीजिए, मेरे से पहले जो लोग जा रहे थे मेरे टाइम, मुझसे नहीं कराया गया, ये मार्च पास्ट में कमांड कराई गई, सावधान विश्राम जो है अबाउट टर्न और ये सल्यूट वगैरह भी वहां पे उन्होंने कराकर चेक किया मेरे से पहले कुछ लोगों से। तो आप फिर भी आप ये करके जाइए क्योंकि ये हमारा डेली रूटीन का पार्ट है। केवीएस में जो है मार्च पास्ट हमें करानी होती है, साथ में मॉर्निंग में पीटी होती है, जो पीटी ड्रिल्स होती है, तो ये सब चीजें आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए, 16 काउंट तक का करके जाइए। कुछ भी करने को अगर बोलते हैं तो आप फटाफट रेडी रहेंगे तो आप बता सकते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया, फिर जो है ये अगला क्वेश्चन यही होता है आप कहाँ जॉब कर रहे थे तो उसके बारे में एक्सपीरियंस बताएंगे। मेरा गेम था जूडो स्पेशलाइजेशन, फुटबॉल के बारे में सब लोग जानते हैं, बास्केटबॉल, ये बॉल गेम के बारे में सभी को लगभग लगभग जानकारी होती है, तो कुछ ना कुछ वो पूछते हैं, तो अपने गेम के स्पेशलाइजेशन के बारे में तो बढ़िया से आपको पूछ कर जाना है। तो उन्होंने मुझसे ज्यादा जूडो के बारे में कुछ चीजें पूछी, कब ओलंपिक्स में शामिल हुआ, वुमेन्स का कब ओलंपिक्स में शामिल हुआ, तो ये सारी चीजें स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड सभी लोग आंसर कर लेते हैं क्योंकि आपने किया हुआ है, तो स्पेशलाइजेशन गेम्स पूछेंगे वो आपको रेडी करना है। उसके बाद जो है मुझसे पूछा गया तो आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि मैं इस समय भोपाल में मैं जॉब कर रहा था एज ए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, और तो मैंने बताया भोपाल में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, और तो इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू किए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था बीएमआर क्या होता है, तो जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जब एट द टाइम ऑफ रेस्ट जो आपका मेटाबॉलिक रेट होता है उसे बीएमआर बोलते हैं। कुछ टेस्ट एंड मेजरमेंट से मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो स्पेशली इसलिए पूछे गए थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनका जो है टेस्ट एंड उनका इंटरेस्ट फिजिकल एजुकेशन में ज्यादा आ गया था, स्पोर्ट्स को हटाकर उन्होंने ज्यादातर मुझे, क्योंकि एक तो मैंने पीजीटी बताया मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, और उनका जो था टेस्ट एंड मेजरमेंट में एक स्टूडेंट्स को, वो मेरा अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरा जूनियर था, वो उनके अंडर में पीएचडी कर रहा था, मुझे उस समय नहीं पता था, जब मैं बाहर आया तब मुझे पता चला कि वो पीएचडी उनके अंडर में कर रहा है, और टेस्ट एंड मेजरमेंट पे रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट पर उनका पीएचडी चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे टेस्ट एंड मेजरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि हार्वर्ड स्टेप अप टेस्ट जो है क्या फॉर्मूला है, अगर कोई 5 मिनट कंप्लीट नहीं कर पाता है तो फिर क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। साथ में रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट में मुझसे पूछा गया कि कितने टेस्ट होते हैं, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, तो और हाँ एक चीज और, क्योंकि इसमें ये स्पेसिफिक है, आप हो सकता है ये चीजें आपसे ना पूछी जाएं, लेकिन क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में पीएचडी करा रहे थे और रिकली एंड जॉन्स सीनियर, तो बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे डीप में ये पूछा कि जो डंबल वेट क्या होता है, तो मैंने एक चीज थोड़ी गलत बोल दी, मैंने बोला लाइट वेट डंबल, वहां पर लाइट वेट डंबल नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं स्पेसिफिक, मैंने कहा स्पेसिफाइड नहीं होता है, उन्होंने कहा टेस्ट एंड मेजरमेंट में क्या स्पेसिफाइड नहीं होगा, तो बात तो बिल्कुल सही है, टेस्ट एंड मेजरमेंट जब टॉपिक है तो बिल्कुल स्पेसिफाइड होगा। यही एक क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हुआ था, आपका जो 12th की बुक में यूनिट नंबर आई थिंक 6 है, टेस्ट एंड मेजरमेंट, रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, इसमें टोटल 6 टेस्ट होते हैं, तो इस टेस्ट के बारे में पूछा उन्होंने ये किसके लिए होता है, पहले तो ये ओल्ड एज पीपल के लिए होता है, बाकी किसी यंग के लिए नहीं करा सकते हैं, दादा दादी के लिए जिनकी एज 60+ है, जिनको हम रेलवे में ओल्ड एज करके रिजर्वेशन जो अलग से मिलता है सीनियर सिटीजन वाला, तो
तो वो टेस्ट है। इसका दूसरा नाम है फ्लर्टन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट। इसके बारे में पूरा डिटेल ही पूछ लिया था ये टेस्ट के बारे में मुझसे, तो मेरे से गलत हुआ था इसलिए, क्योंकि ये जो आपसे मिस्टेक होता है वो आपको ज्यादा याद रहता है, बाकी सारे क्वेश्चन तो बताए ही थे मैंने। उन्होंने पूछा, एक होता है आर्म कर्लअप टेस्ट, इसके अंदर रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन में आर्म कर्ल, तो उसमें डंबल के साथ आर्म कर्ल करते हैं, तो उन्होंने पूछा उस वेट का क्या होता है, तो मैंने बताया कि सर लाइट वेट डंबल होता है और वेट डिसाइड नहीं होता है, तो सर ने बोला कि टेस्ट एंड मेजरमेंट में डिसाइड नहीं होगा, ये कैसे होगा, लेकिन मैं क्योंकि पढ़कर गया था तो मुझे मालूम था कि हाँ ब्लफिंग करना बेकार है, मैंने इसलिए ब्लफ थोड़ा सा ब्लफ क्या बोलेंगे क्योंकि मुझे याद नहीं था उस समय, तो मैंने बोल दिया कि लाइट वेट डंबल क्योंकि एज है तो मैंने थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया कि एजेड है तो ज्यादा हैवी वेट तो दे नहीं सकते, इसलिए लाइट वेट डंबल बोल दिया, लेकिन क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं तो उनसे हम ब्लफिंग नहीं करेंगे, अगर आता है तो ठीक है, सॉरी सर टेस्ट एंड मेजरमेंट पे स्पेसिफाइड होगा और मुझे याद नहीं है ना, तो ये चीजें मैंने बोली। और आपका एक आफर टेस्ट है, इसको बढ़िया से तैयार करिए, 1976 में जो आपका मॉडिफाइड होकर आया था। आफर टेस्ट क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि केवीएस में दो टर्म में टेस्ट हम लोग कराते हैं, ये स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत एक केवीएस का प्रोग्राम है, इसमें टोटल आफर टेस्ट जितने भी आइटम हैं वो सारे आइटम जो है हम लोग टर्म वन टर्म टू में एक ऐप के थ्रू बच्चों को एसेस करते हैं, तो इससे थोड़ा पूछा जा सकता है। बाकी फिजियोलॉजी के कुछ थे टॉपिक, बहुत सारे थे जैसे मैंने बताया बीएमआई बीएमआर, और जो है हमारा योग से भी क्वेश्चन पूछा गया था, योग स्पेशलाइजेशन के भी होते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा केवीएस में योगा टीचर की अलग से वैकेंसी होती है, तो कई बार योगा टीचर नहीं होते हैं तो हमें ही कराना होता है, योग वगैरह के लिए भी हमें कराना होता है, तो योग से भी जरूर पढ़ के जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने, ये नहीं, ये तो सबको पता है कि 21 जून को है, कैसे पास हुआ डिटेल पढ़ के जाना है, पास हुआ कितने मेंबर ने वो किया, साथ में जो है ये हमारा यम नियम आसन ये सब तो पढ़ के ही जाना है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि जो भी है अष्टांग योग के, जितना हो सके आप थोड़ा इसको देख कर जाएंगे। क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा था कि जितना मुझे आता था उतनी सारा चीज मैं बोलता रहता, जब तक कि वो लोग मुझे स्टॉप ना कराएं। तरीका ये भी होता है, कई चीजें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, तो मुझे जैसे कुछ पूछ लिया गया तो मुझे जितनी भी नॉलेज आती थी उससे रिलेटेड, रिलीवेंट इरिलीवेंट नहीं, जितनी भी चीजें आती थी मैं उसको बोलता था, फिर उसमें से दूसरे पैनल के मेंबर्स पूछते थे, फिर उसको मुझे ब्रेक रोकते थे, कहते थे ओके, उसके बाद कोई दूसरा पूछता था, तो जब भी आप आंसर करें तो जो भी आपसे, एक तो बीच में जो सेंटर में रहेंगे वो तो आपके मेन रहेंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आंसर करना है तो सभी जो पांच मेंबर्स बैठे रहेंगे, फाइव या फोर मेंबर्स, सभी की तरफ देखकर आंसर करना है और मुस्कुराते हुए करना है, स्ट्रेस होके नहीं करना है। इंटरव्यू का सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। कई लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है लेकिन एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है। कोई इंटरव्यूअर कोई भी, देखिए ऐसा नहीं है कि वो सब वो जो है आप कम जानते हैं वो जानते हैं, अरे उनकी ज्यादा हो गई है, एक्सपीरियंस हो गया है, आप भी उस जगह पे पहुंचेंगे तो आपको भी उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना, बस आपको ये सोचना है कि हाँ मुझे पता है, मैं हम्बली अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, ठीक है। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिसिप्लिन से रिलेटेड पूछा गया था, क्यों, और दो चीजें थोड़ा सा इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जूडो जो है फुल कॉन्टेक्ट गेम है ना, तो ऐसे किसी का गेम हो सकता है नहीं होगा जैसे, तो क्योंकि ये जो को एजुकेशन तो है, लेकिन क्या है कि मुझसे पूछा गया कि जैसे आप गर्ल्स चाइल्ड को कैसे सिखाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा ये सब चीजों में आपको पहले से रेडी होके रखना है। मेरी तरफ से मैंने आंसर दिया था कि ठीक हाँ सर ये फुल कॉन्टेक्ट गेम है और इसमें क्योंकि एक फीमेल टीचर की जरूरत होती है, लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, जो बॉयज और गर्ल्स दोनों को ट्रेनिंग देंगे, जो गर्ल्स अच्छे से सीख गई हैं, जो भी उसमें सीनियर का मतलब जो अच्छे से सीख गए हैं वो उन और जल्दी जो कैच कर लेता है उनको मैं बताऊंगा ये टेक्निक, बॉयज पे परफॉर्म करूंगा और गर्ल्स जो है उसको
जो जो बच्चे से सीख गई वो बाकी गर्ल्स को हेल्प करेगी मुझे सिखाने में। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है कि गर्ल्स को हमें टच नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। ये चीजें देखिएगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अभी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गर्ल्स को ट्रेन करने के लिए। एक क्वेश्चन और कि बच्चे इनडिसिप्लिन होते हैं बहुत ज्यादा, कई बार एक या दो बच्चे इनडिसिप्लिन हैं या कई बच्चे हैं, तो आप वो साइकोलॉजिस्ट आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, है ना, कि वो सोचेंगे कि आपसे निकलवा लें, आपके अंदर कितने मतलब फ्रस्ट्रेट कितने देर में होते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था कि कोई बच्चा आपकी बात ही नहीं मान रहा है, क्लास में बहुत शोर हो रहा है, और या फिर ग्राउंड में है, ग्राउंड में खुले में घूम रहे हैं बच्चे, इधर उधर जा रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और गर्ल्स जो है आपकी क्लास में खेलना नहीं चाहती है, स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, अब बताइए आप क्या करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, इससे क्या है आपका एटीट्यूड चेक कर रहे हैं कि आप करेंगे कि नहीं। और ये अगर कुछ लोग काम कर रहे होंगे स्कूल्स में तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी कि गर्ल्स जो है बॉयज को तो आप बॉल दे दीजिए और वो लोग खेलते रहेंगे, पूरे 40 मिनट्स का गेम पीरियड है वो खेलेंगे, लेकिन गर्ल्स को अगर आप ठीक से मॉनिटरिंग नहीं करिए, अगर आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो वो दो चार बैठ जाएंगी, है ना। और ये भी हम नहीं कर सकते, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं 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 प्रॉब्लम है उसे हमें समझना है भाई। अगर बच्चे बोलते हैं कि पेट में दर्द है तो हमें समझना है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो उनको अलग से बैठने देना है हमें, तो ये प्रॉब्लम आती होगी। तो ये इसके लिए उन्होंने मेरा व्यू लिया था, तो मैंने अपने तरीके से बताया था उनको कि सर जैसे दो चीजें हैं, क्लास में अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन करता है यानी थ्योरी क्लास में, तो बच्चा जो सबसे नोटोरियस होगा तो ऐसे 3-4 बच्चे होंगे, मेरा आप लोग अपने हिसाब से आंसर करिएगा, मैं अपना बता रहा हूँ। तो 3-4 बच्चे ही नोटोरियस होते हैं जो ज्यादा शोर करेंगे या पढ़ाने नहीं देना चाहते थ्योरी क्लास में, तो वो बच्चों को मैं आगे बैठाऊंगा सबसे आगे, और वो जो 4 बच्चे होंगे मान लीजिए तो 4 रोज हैं, उन 4 पे एक एक बच्चा बैठेगा, और वो मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट होंगे क्योंकि वो बदमाशी कर रहे हैं, और हमें उन बच्चों को सुधार के लिए मैं सबसे आगे बैठ, और जितना हो सकेगा तो उनसे और फिर बाद में दूसरों से क्वेश्चन पूछूंगा। पहला चांस मैं उन्हीं को दूंगा जो बच्चे ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, और सबसे आगे मैंने बैठा दिया उनको। तो आप जो है इस तरह से अपना इस तरह से तैयार कर सकते हैं, या कुछ और बताना है। दूसरी बात फिर ग्राउंड पे जो है मैंने बताया कि हाँ ग्राउंड पे अगर बच्चे जैसे लाइन से हम लोग लेकर जाते हैं क्लास को पूरी, आप लोग भी करते होंगे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे, तो लाइन से लेकर जाते हैं, लाइन से लेके आते हैं। डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा मैटर है केवीएस में, डिसिप्लिन को बहुत प्रायोरिटी मिलती है, तो ये क्वेश्चन तो जरूर से जरूरी ही होगा कुछ लोगों से कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपको बिल्कुल हम्बली बताना है कि यस सर, वी आर द फिजिकल एजुकेशन टीचर, इट इज द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन अवर स्कूल्स, और उसके बाद अपना बताइए किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे से पहले एक सर गए थे, तो उनको साइकोलॉजिस्ट ने काफी गुस्सा दिला दिया था, उन्होंने कहा कि आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, बच्चे नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सर मैं खड़ा कर दूंगा क्लास में, फिर जो है फिर और बोला नहीं नहीं मान ही नहीं रहे, बहुत बदमाश हैं और वो कर रहे हैं, तो उनको मुर्गा बना दूंगा, ऐसा किसी ने जवाब दिया, मुर्गा बना दूंगा। फिर जो है तो आप लोग जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी किसी भी तरह के फिजिकल या वर्बल किसी भी तरह से बच्चों को हम पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत तेजी से एक्शन होता है, क्योंकि आपको पता होगा केवीएस में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे ही पढ़ते हैं, पहले प्रायोरिटी उन्हीं की होती है, तो और बाकी एमपी कोटा से आते हैं, है ना। तो एमपी कोटा समझ रहे हैं कि पावरफुल लोग हैं जो भी हैं, कोई यहाँ पे मेरी स्टूडेंट है, कलेक्टर साहब की बेटी है, सब कलेक्टर की बेटी है वो, उसका जब कोविड टाइम था तो अलग से एनवलप आता था कलेक्टर ऑफिस से कॉपी चेक करने के लिए फिजिकल एजुकेशन के। तो बच्चे अलग अलग फील्ड से हैं और सारे रूल्स जानते हैं, तो आपको कभी भी चाहे कितना भी कोई गुस्सा दिलाए, जैसे सर ने जो पहले गए थे उन्होंने बताया कि उन्होंने असली बात बता दी, उन्होंने कहा कि कोई नहीं मान रहा है तो एक बच्चा जो बदमाश होगा उसको ऐसा बताएंगे,
और धमकाएंगे कि मारेंगे, जो भी बोला उन्होंने, कि बाकी लोगों में टेरर हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन वाले, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट का यही काम है कि आपकी असली चीजें निकाल लेना। तो उन्होंने ये बोला, तो बोला चाहे सच बोला चाहे झूठ बोला, जो भी आप समझिए, कई बार ऐसे काम करना पड़ता है, लेकिन ये चीजें आप किसी भी कंडीशन में बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये आइडियल चीजें आपको फॉलो करना है। और कॉर्पोरल पनिशमेंट में चाहे वो कितना भी गुस्सा दिलाए, आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको बताना है नहीं। तो मैंने कैसे बताया इसको, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने बताया सर अगर वो इस क्लास में नहीं, गेम्स पीरियड में नहीं वो करते हैं, डिसिप्लिन नहीं करते हैं, तो कुछ बच्चे जो इनडिसिप्लिन करते हैं, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स सभी को अच्छा लगता है, सारे बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो इनडिसिप्लिन करते हैं तो उस समय का मैं गेम्स पीरियड सस्पेंड कर दूंगा। ऐसा क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में करता था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये तरीका ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिकल चीजें बताई उनको, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में काम किया था 2 साल, तो वहां पर भी ऐसे करता था मैं कि जो बच्चे ज्यादा परेशान करते थे तो उनको क्या है ऑब्जर्वेशन में रख देते थे। हम लोग रखते ही फिजिकल एजुकेशन में, बीपीएड एमपीएड में देखते थे कि ऑब्जर्वेशन क्लास बोल देते थे कि बैठिए, जो सिक एंड इंजर्ड है, बीमार है, तो हमें बाहर बैठा देते। लेकिन वहां पर सिक एंड इंजर्ड स्कूल में कोई नहीं मिलेगा आपको, होगा तो वो भी खेलना चाहते हैं सब, बताते नहीं है, लेकिन आपको जैसे कोई बदमाशी कर रहा है, तो मैंने यही बताया कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको मैं उस दिन के लिए सस्पेंड रखूंगा, वो क्लास में गेम पीरियड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, वो भी एक सीखने की चीजें हैं। तो ये एक तरह के पनिशमेंट नहीं है, मैंने कहा सर वो भी तो एक सीखना ही है ना, देख कर भी सीखेगा। तो इस जवाब से वो लोग सेटिस्फाइड थे कि ठीक है सस्पेंड। और मैंने कहा कि जिस दिन गेम्स पीरियड सस्पेंड होगा सर, अगले दिन देखिए वो खुद से सुधार करके आते हैं बच्चे ऐसा। और केवल स्पोर्ट्स पीरियड में नहीं, इसमें मैं दूसरे टीचरों की भी मदद कर सकता हूँ डिसिप्लिन में, क्योंकि गेम्स पीरियड सभी को अच्छा लगता है, और बच्चों को जब लगता है कि हमारा गेम्स पीरियड सस्पेंड होगा तो इसलिए वो अच्छे से तैयारी करके आते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी डिटेल में हुई थी।